गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर की यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। कल हमने अपना पहला पार्ट सेवन क्लास इंग्लिश थ्री क्वेश्चंस, जो कि आपका पहला पार्ट है, उसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हमने कल उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स के बारे में पढ़ा था, जाना था उनको। अब जो है आपके सामने आगे वाले उसी पार्ट की आगे वाले जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो है उनको मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, और एक एक करके मैं चाहता हूँ कि आपको उनकी स्पेलिंग्स और उनके अर्थ को समझाया जाए, ताकि जो है वो आप उनको अच्छी तरह से समझ करके याद कर सको। तो सबसे पहले देखिए, पहला स्पेलिंग जो है आपका अर्जेंट, आपने कई बार सुना होगा शब्द, जाना पहचाना शब्द है अर्जेंट, URGENT अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है अत्यावश्यक, अति आवश्यक, अति आवश्यक, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, अति आवश्यक, उसको कहा जाता है अर्जेंट, ठीक है। उसके बाद आपके सामने शब्द है डिसीजन, DESISION, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। और फिर आपके सामने शब्द आया है मैजिशियंस, MAGICIANS, मैजिशियंस जादूगर, मैजिक से बना है MAGIC, मैजिक, मैजिक यानी जादू, और मैजिक से बना है मैजिशियंस, MAGICIANS, मैजिशियंस जादूगर, जादू करने वाले, जादू दिखाने वाले। उसके बाद आपके सामने शब्द आया है काउंसिलर्स, काउंसिल, कल जो शब्द बताया था काउंसिल, काउंसिल का मतलब परिषद, और काउंसिलर्स का मतलब परामर्शदाता, उस परिषद के सदस्य, COUNCILORS, काउंसिलर्स, ठीक है, परामर्शदाता, परामर्श देने वाले, सलाह देने वाले, ठीक है। उसके बाद में शब्द आया है प्रिस्ट, बहुवचन शब्द है PRIEST, प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी, और प्रिस्ट का मतलब बहुत सारे पुजारी, ठीक है। चोस, CHOSE, चोस का मतलब चुना, ये इसका मूल शब्द जो है चूज, CHOOSE, चूज का मतलब होता है चयन करना, चुनना, ठीक है। और इसका सेकंड, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, इसका सेकंड फॉर्म है चोज, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और इसका थर्ड फॉर्म होता है चोजन, ठीक है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चोज यानी चुना। उसके बाद में है सोल्जर्स, SOLDIERS, सोल्जर्स का मतलब होता है सेना के सदस्य, सैनिक। उसके बाद में आपके सामने शब्द है रिलीजियस, रिलीजन से बना है रिलीजियस, RELIGION होता है रिलीजन, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, और उसी रिलीजन से बना है RELIGIOUS, ठीक है, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक। उसके बाद शब्द है वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप का मतलब होता है पूजा। फिर है सेटिस्फाइड, SATISFIED, सेटिस्फाइड, SATISFY, सेटिस्फाई होता है संतुष्टि या संतुष्ट होना, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद में आगे आपका नाउन है R E W
हुए आरडी रिवार्ड, और रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, किसी अच्छे कार्य के बदले में जो चीज़ दी जाती है, जिस अच्छे कार्य के पुरस्कार स्वरूप जो चीज़ दी जाती है वो रिवार्ड या इनाम कहलाता है। उसके बाद में आपके सामने शब्द आया है सीक, SEEK। सीक का मतलब होता है तलाश करना, किसी चीज को तलाशना या ढूंढना। उसके बाद आपके सामने नाउन है वापिस हर्मिट, HERMIT। हर्मिट का मतलब होता है साधु या सन्यासी। दूसरा शब्द है इसका सेंट, SAI है, ठीक है। फिर आपके सामने शब्द है एडवाइस, ADVICE। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, नाउन है। फिर है वाइडली, WIDELY। वाइडली का मतलब होता है दूर दूर तक। फिर आपके सामने शब्द है नॉन, KNOWN। नॉन का मतलब जाना जाता था, ठीक है। फिर है WISDOM, विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता। और WOOD, वुड। वुड का मतलब जंगल, वैसे वुड का लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपके जो है वो वुड का मतलब है जंगल। और फिर ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी साधारण। फिर है PUTON, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। बॉडीगार्ड, BODYGUARD, बॉडीगार्ड, अंग रक्षक। फिर है ALONE, अलोन का मतलब होता है अकेला। फिर आपके सामने शब्द है डिग, DIG। डिग का मतलब होता है खोदना, और ये है डिगिंग यानी खोद रहा है, DIGGING, ठीक है। फिर है ग्रीट, GREET, ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, और ये उसका सेकंड फॉर्म है ग्रीटेड, अभिवादन किया। फिर आपके सामने शब्द है कंटिन्यू, CONTINUE। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना या जारी रहना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कंटिन्यूड है, तो जारी रखा। फिर WEAK, वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर। देखो वीक दो प्रकार ये है, WEAK, ये भी वीक है और ये भी वीक है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। ये वीक है, इसको कहेंगे सप्ताह, ठीक है। और ये वीक है, इसको कहेंगे कमजोर या दुर्बल, ठीक है। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें। ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ का मतलब सांस लेना, और ब्रीथ यानी सांस ली, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये भी, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने शब्द है ना, हो गया नाम, तो शब्द है हैवी, HEAVILY। हैवी का मतलब होता है मुश्किल से, कठिनाई से। फिर है अफेयर्स, AFFAIRS। अफेयर्स का मतलब होता है मामले। फिर आपके सामने शब्द है वो है स्पीक, SPEAK। स्पीक वर्ब है, क्रिया। स्पीक का मतलब होता है बोलना। और फिर आपके सामने शब्द है टायर, TIRE। टायर का मतलब होता है थकना, और टायर्ड यानी थक गया, सेकंड फॉर्म में वर्ब की, ठीक है। उसके बाद आपके सामने नाउन है SPADE। स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, जो कृषि के काम आता है। फिर है सेट डाउन, सेट सीट की सेकंड फॉर्म है, सीट यानी बैठना, SIT। आपने देखा होगा SIT, सीट का मतलब होता है बैठना, और इसका सेकंड फॉर्म जो है वो है सेट, ठीक है। और डाउन यानी नीचे, सेट यानी बैठ गया, तो नीचे बैठ गया, ठीक है। ये कुछ कठिन शब्द हैं, और मैं जो पहले वाला भाग है, पहले लेसन का पहले वाला जो भाग है उसके ये कठिन शब्द थे, और उसमें हो सकते हैं कि 10-12 शब्द और रहे मेरे हिसाब से,
क्योंकि एक पैराग्राफ पीछे रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें से जो है वो जो पीछे रहे उन शब्दों को भी आज इसमें लिखवा दूँ, और उसके बाद जो है वो ये एक भाग पहले पार्ट का पहले वाला भाग जो है वो अपन उसका ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ स्पेलिंग जो पीछे रहे हैं वो देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, ये कुछ स्पेलिंग जो पीछे रही थी वो स्पेलिंग देख लीजिए, फिर पहला भाग जो है उसका पहले लेसन का वो कंप्लीट होता है। और मेरे हिसाब से मैंने जो है वो सभी स्पेलिंग जो मुझे लगता था कि बच्चों को नहीं आ रही होगी तो वो सब दिखाने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई स्पेलिंग आपको लगे कि ये जो है इसका अर्थ हमें मालूम नहीं है या सब ने नहीं लिखवाया है, तो आप जो है उनको बोल सकते भेज सकते हो उस शब्द को, और मैं आपको जो है उसका मीनिंग बता दूंगा। तो देखिए स्पेलिंग को एक एक करके हम देखते हैं। डग डग डी यू जी, डग का मतलब होता है खोदना, गड्ढा खोदना, ठीक है। और फिर उसके बाद में बैट्स, बी ई डी एस, बैट्स का मतलब होता है क्यारिया। अब क्यारिया क्या आपको मालूम होगा, अपन घर में जो है वो खेतों में जो है वो ऐसे इस हिसाब से ऐसे बनाते होंगे, खाइया टाइप जो होती है खोद करके बनाते हैं, जमीन को खोद करके खाइया बनाई जाती है, दोनों तरफ जो है वो रेत लगाई जाती है और फिर बीच में गड्ढा रखा जाता है जिसमें जो है कि पौधे वगैरह जो है वो बोए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं या पौधे जो है वो लगाए जाते हैं, इनके बीज जो है बाद में, ठीक है। तो ये जो चीजें जो है ये खाइया इस प्रकार की जो है, इस प्रकार की खाइया जो है जो बनाई जाती है उनको कहते हैं बेड्स, हिंदी में कहते हैं क्यारिया, ठीक है। दूसरा शब्द है रिपीट, शब्द है रिपीट, R-E-P-E-A-T, रिपीट। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, किसी बात को दोहराना, और यहां पर रिपीटेड है तो रिपीट जो है उनका फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें जब ईडी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है दोहराया। फिर शब्द आया आपके सामने गैव, G-A-V-E, तो ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है और इसका मुख्य रूप जो है वो गिव, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का देना, सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा गैव और थर्ड फॉर्म होगा गिवन, ठीक है। तो ये ऐसे तीनों चलते हैं, तो आपके सामने है वर्ब का सेकंड फॉर्म। स्टूड अप शब्द है S-T-O-O-D-U-P, स्टूड अप, स्टूड अप का मतलब हुआ खड़ा हुआ, ठीक है। ये शब्द बना है स्टैंड अप से, इसका फर्स्ट फॉर्म है स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े होना, और इसका सेकंड फॉर्म बन जाएगा स्टूड अप, ठीक है। तो आपके सामने ये स्टूड अप सेकंड फॉर्म। फिर है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेस, S-T-R-E-T-C-S, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना, S-T-R-E-T-C-S, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना, और इसमें आईएनजी लगाया है तो स्ट्रेचिंग फैलाए हुए कंटिन्यूज हो गया ये, ठीक है। फिर आपके सामने शब्द है रेस्ट, R-E-S-T, रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ, शेष या आराम करना, वर्ब के रूप में इसका होता है आराम करना, वर्ब के रूप में क्या होगा इसका आराम करना, ठीक है। और नाउन के रूप में इसका होता है बचा हुआ, शेष। और ये फिर आपके सामने शब्द आया है, एक शब्द आपके सामने और है और वो शब्द है पास्ट, शब्द है आपके सामने पास्ट, ये शब्द है P-A-S-S, पास, पास का मतलब होता है भंडी फर्स्ट फॉर्म है, पास का मतलब होता है गुजरना, पास में से निकलना, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म होगा पास्ट, P-A-S-S-T, ये सेकंड फॉर्म, गुजर गया, ठीक है, निकल गया। थर्ड फॉर्म भी होगा इसका पास्ट,
ठीक है, यूजर चुका, निकल चुका, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपके जो है वो स्टक, STUCK के स्टक का मतलब होता है फंसाना, फंसाना, जैसे फावड़ा जो है वो रेत में फंसाया तो वो है फंसाना स्टक, STUCK। और फिर शब्द है रिटर्न, RETURN, रिटर्न का मतलब होता है वापिस आना या लौटना, ठीक है। तो ये कठिन शब्द थे, मैंने जहां तक संभव हुआ जो कठिन शब्द मुझे लगे वो सभी बताने का प्रयास किया है। तो आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे, इनके मीनिंग को समझेंगे, याद करेंगे और स्पेलिंग्स याद करेंगे। पार्ट थ्री क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, मनोरंजक पार्ट है, अनुवाद जब करेंगे आपको आनंद आएगा, बहुत अच्छा पार्ट है, ज्ञानवर्धक है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको अच्छी तरह से इसकी विषय वस्तु को समझ पाओगे तो, और विषय वस्तु को समझने के लिए मैंने आपको बताया कि कठिन शब्द डिफिकल्ट वर्ड्स समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका अधिकार्थ नहीं समझ पाओगे तो आप उस पाठ को समझने में असमर्थ रहोगे और उस पाठ का असली आनंद जो है वो नहीं ले पाओगे। इसलिए अनिवार्य रूप से इन डिफिकल्ट वर्ड्स को याद करें। कल वाले जो थे वो मैं मानता हूँ कि आपने याद कर लिए होंगे, आज वाले जो ये डिफिकल्ट वर्ड्स है आप अच्छी तरह से याद करें और कल मैं आपको जो है उस भाग का पहला भाग, पहले पार्ट का जो पहला भाग है उसका ट्रांसलेशन करवाऊंगा और फिर एक दो प्रश्नों के जो है वो प्रश्न डालूंगा आपको, उनके आंसर भी जो है वो मैं लिखवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल जो है वो वापिस आगे वाले उस ट्रांसलेशन को लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा।